जी बिल्कुल, मैं तुम पर हाथ उठाऊंगी। भाभी भाभी देखो, इस तरह नहीं करो भाभी, नई नवेली दुल्हन। मैं क्या करूं, मैं खुद परेशान हूं, मैं इसकी सुनूं तुम्हारी सुनूं। चलो चलो चलो, जब भाई आएंगे ना जाएं। बहुत ज्यादा बदतमीजी हो गई है आपकी। अच्छा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलें, कहाँ जाना है? ये भाभी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। मैंने तुम्हें कितनी दफा मना किया है ना कि ये लड़कियों को घर लेकर नहीं आया करो, तुम्हारे भाई को पसंद नहीं है, तुम घर लेकर आ दो। तो आज एक्टिंग के हवाले से नहीं लेकर आया ना भाभी? वाइफ हूँ भाभी। ये मतलब ऐसा हुआ कि मेरे एक दोस्त की ये गर्लफ्रेंड थी, इत्तेफाक से उसको गवाह नहीं मिले तो वो मजबूर था छोड़ने को, और ये घर जा नहीं सकती थी, तो मैंने इससे कोर्ट मैरिज कर ली। मेरे शक्ल पे चे लिखा हुआ है या तुम मुझे पागल समझ रहे हो? क्या मतलब, क्या हो गया? शादियाँ इस तरह से होती हैं, मुंह उठा के कोई भी चलाए? अरे तो निकाह किया है, मेरे पास पूरे पेपर है इसके, कल पेपर मिल जाएंगे, वकील मुझे अटेज वगैरह करवा के मुझे पेपर देगा, बाकायदा हमने निकाह किया है। चले भाई, मुझे आराम करना है। राज, एक मिनट बीबी, मुझे आराम करना है। राजा, तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना, तुम्हारी बात तय की हुई थी। क्या चल रहा है ये? अरे बात रिश्ता हुआ हुआ था, मुझे हाँ या ना में जवाब दो, खानदान में मैं क्या मुँह दिखाऊँ? अब शादी हो गई, रिश्ता टूट गया, चले जल्दी। मुझे, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। और आप अपना सामान उठाए नीचे जाए। ओहो, ये है कौन? अरे भाभी, इसको बात करने की तमीज नहीं है, बीच बीच में बोले चले जा रहे हो। आपको कौन सी तमीज है? बात सुनो, देखो भाभी इधर बात सुनो, देखो सामान उठाए और चले मुझे। देखे ये वाला, देखे मेरा एडिट रूम है, मैं यहाँ पे अकेला होता हूँ, कोई भी नहीं होता, ठीक है? आप ऊपर, आप सिर्फ अपने काम से आते, बच्चों के कपड़े सुखाने के लिए, आपका कमरा सब नीचे बना हुआ, बच्चे भी सब, तो मैं अपने कमरे से मैं जानूं, मेरी वाइफ जाने, आपने नीचे रहना है, मुझे ऊपर रहना है ना। चिच्ची भाई रहेगी तो जब जब मैं इसको वाइफ मानूंगी, तुमने कैसे शादी कर ली? तुमने कैसे शादी? चुप, बिल्कुल खामोश। अरे भाई रुक जाओ बेटा, रुक जा, दो मिनट सब्र कर जा। तो रोज आए दिन शादियों में से तस्वीरें खींच खींच के दिखाती थी, अब चाची ले आए तो बोल लिए कौन है? तो छोड़, तुम इस घर से अपना बोरिया बिस्तर निकलो निकलो, तुम घर में क्या मुंह देखते हो? अभी एक मिनट बेटा, चाची बेटा, अच्छा खाना खा लो यहाँ से और भाई। देखो पहले पहले ना, मुझे तुम और तुम्हारा ये टाम तोबड़ा सब ना बाहर चाहिए, समझ आई? भाभी अभी कुछ भी नहीं। भाभी देखे आप है ना, आप जाए नीचे, ये ऊपर मेरा कमरा है, मैं जानू, मेरी वाइफ जाने। अरे भाई ऐसे कैसे, तुम होश में हो? तुमने शादी को मजाक समझ के रखा है, किसी को भी तो मुंह उठा के लेकर आ जाती हो गई ये सब बातें। बिल्कुल खामोश, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। चार गवाह है, चार गवाह को मैं चार गवाह के सामने वकील खड़ा हुआ था, जज ने यूं करके स्टम लगाई, पेन तोड़ा, बोला ले जाओ। भाभी मर गई थी, तुम्हारा भाई मर गया, तुमने तुमने फोन करके। अच्छा चलो, ये सारी बातें जब भाई आएगा ना, भाई के साथ बैठ के, फरहान भाई, फरहान भाई जब आएंगे, जब बात कर लेंगे उसके सामने बैठ के, तब आ जाओ आ जाओ। जब भाई आएगा, एक मिनट भाभी, हम चल निकल यहाँ से, निकल। देखो भाभी ये उल्टी उल्टी हरकतें नहीं करो, अब ये सही नहीं हो रहा, रखो इसको। नहीं, निकलो यहाँ से, चलो बीबी निकलो यहाँ से। मैं नहीं निकलूंगी, ये भी मेरा घर है। कैसे तुम्हारा घर है? खामा खाए मेरे। अरे भाभी फेंको इसको, मैं इसको जब घर से निकालूं तो तुम कौन होती हो? निकलो यहाँ से, चलो। भाभी मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ ना, आप नीचे जाओ। देखे आप अपने कमरे, निकल चल निकल, जब भाई आएगा सामने। निकलो निकलो निकलो, चलो मैं बोल दूंगा, ये बहुत फाइटर भी है, कराटे सीखे 3 महीने इसने, पहले बता दूं मैं लिया। तुम इसको कराटे सिखा के मेरे ऊपर लेकर आए हो ताकि ये मुझ पे हाथ उठाए हैं? भाभी यही दिन देखने के लिए मैंने तुम्हें इतना बड़ा किया था ना, अभी इतना ख्याल करती रही हो, इसलिए मैं अभी तक चुप ही हूँ। कोई और होती तो मैं इसको बोलता, हटे, ये ऐसी टक्कर मारती है नाक के ऊपर, आपकी सोच है। अब हम रेस्ट कर रहे हैं, प्लीज तंग नहीं किया, जब भाई आएंगे बात करेंगे। भाई प्रान भाई आएंगे ना, बैठ के बात कर लेंगे। भाभी आप नीचे जाए, जब तक हमें रेस्ट करने, हम बड़े थके। मैं नीचे जाऊंगी और बात चले, खाना भी भिजवा दिएगा। चलो बीबी निकलो यहां से, निकलो। जानती हूं मैं इससे, इस जैसे दो टकों को बहुत अच्छी तरह जानती हूं। तुम जल्दी हाथ पीछे हटा, वो इस तरह के लड़कों को देखकर अब चले हाथ पीछे हटा, निकलो यहां से। आपकी जबान चल सकती है, चल सकती है, मैं इसको दो थप्पड़ मार दूंगी, इसको इंसान बना लो, मुझसे जबान ना चलाए, इसको लेके निकल। इन्हें बोल दे चुप कर जाए, मैं हाथ उठा दूंगी इन पे। तुम मुझ पर हाथ उठाओगी? जी बिल्कुल हाथ उठाओगी, मैं तुम पर हाथ उठाऊंगी, रुक जाए। भाभी भाभी देखो, इस तरह नहीं करो भाभी, नई नवेली दुल्हन आई, हाथापाई करने लग गई है। नहीं मानती इसे, मैं दुल्हन ही नहीं मानती, तू नई नवेली का कैसे नहीं मानती, मैं इनकी वाइफ हूं। चलो चलो निकलो यहां से, चलो रुके, मुझे जाना है अंदर। मैं क्या करूं, मैं खुद परेशान हूं, मैं इसकी सुनूं तुम्हारी सुनूं। चलो चलो चलो, जब भाई आएंगे ना जाए। बहुत ज्यादा बदतमीजी हो गई है आपकी, अब खामोश हो जाए। अच्छा मैं हो गई, अब आप क्या करेंगे? आप नीचे जाए अपने घर और हम लोग आराम करेंगे। चलें
देखिए भाभी, आप मेरी माँ है, मेरी बहन की तरह है, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। आप थोड़ा सा ख्याल ही नहीं कर रही, ख्याल ही नहीं करती आप मेरा, ख्याल ही नहीं करती, ख्याल ही नहीं। अरे भाभी आप क्या कर रही है, एक ऊपर खींच रहा है, एक नीचे खींच रहा है। भाभी एक मिनट, भाभी दो मिनट सबर कर जाओ। देखो परान भाई आएंगे ना, परान भाई आएंगे, हम बात कर लेंगे। परान भाई आएंगे, भाई आएंगे ना तुम्हारे, जब भाई आएंगे ना, जब भी तुम घर में शक्ल दिखाना और बीवी तुम भी। भाभी अच्छा लग रहा है आपको क्या? निकलू, और ये घर मेरा भी है। कैसी हिटलर लड़की से तुमने, मैं तो शादी भी नहीं मांगती इसको, उसको तो बोलते भी तुम। चलो हम अंदर जा रहे हैं, आप नीचे जाए भाभी, आप नीचे। किस भाभी की लड़की से तूने शादी करी? मैं तो उसको तेरा दोस्त भी, अगर तूने शादी की ना तल, चल अभी इसे वक्त तलाक दे। क्या बात कर रही है आप? अरे भाभी के आलू प्याज लेकर आए हो, मैं के लाए और फेंक दिए? नहीं मैं, मेरी इज्जत है ये। लाए तो तुम ऐसे ही आलू प्याज की तरह गए थे टमाटर लेने, लेकर तुम आलू के पूरी बोरी आ गए। आप भाभी देखो, ये आप इसके खिलाफ एक बात नहीं बोलो, जो बोलना बड़ी दिख रही है। बता दे मैं कौन हूँ। कौन इसके अब्बू है ना, SHO है नाजमाबाद के, मैं पहले बता दूं, बाद में नहीं बोलना कि ये क्या किया मेरे साथ। अच्छा, मैं तो डर गई। SHO की बेटी, आप नीचे जाएं। SHO की बेटी यार करते, तुम्हारे अब्बा ने तुम्हें यही सिखाया है कि किसी? मेरे अब्बा ने बहुत कुछ सिखाया है, आपको बता सकती हूँ दो मिनट में। तुम्हारी परवरिश बता रही है, तुम्हारे अब्बा ने क्या सिखाया? उन्होंने कहा किसी का भी हाथ पकड़ के किसी। भाभी आपको आपको लड़ना है, आपको लड़ना है, दो दो हाथ। भाभी चले, चुप करे, निकले नीचे, निकले। भाभी आप नीचे, चलो बीबी निकलो। रुके मैं नहीं जाऊंगी। भाभी एक मिनट बात सुन लो, बात सुन लो। देखो इसकी हिम्मत कैसी है, अगर मैं भी सीढ़ियों से गिर जाती तो? अरे भाभी तो आप कर रही हो ना जबरदस्ती, आप जबरदस्ती कर रही हो, आप बात ही नहीं सुन रही, आप बात ही नहीं सुन रही। यार बोले निकले, जबरदस्ती उतारो। मेरे सर में दर्द हो गया, निकालो। हाँ तुम्हारे क्या सर में दर्द होगा, मेरे होगा। निकलो चलो घर। तुम मार के आ जाना ऊपर, मैं अंदर बैठ के इंतजार कर लेता हूँ। अरे यार मैं दरवाजा बंद कर दूं, इन्हें बोले शाफत से निकल। भाभी अच्छा मेरी बात सुन लो, आप ऊपर आ जाओ, दो मिनट के लिए ऊपर आओ। मेरी भाभी आप कर दी है, अब आप मान गई ना मेरी वाइफ है ये। आप मसले को रफा दफा करें, 1500 जो चाहिए वो ले लो, मुंह दिखाएगी, खत्म करो मामला। मैं इस घर की मालिक हो गया, मैं 1500 मुंह दिखाई दे रहा हूँ। आप मालिक है, मुझे मुंह दिखाई दे रहे हो। अच्छा चले एक काम करते, यही पे मामले को टिका देते, सही है? खुश हो? घर से निकलो। असल तुम्हें अच्छी तरह से पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारे भाई को पता चल गया मेरा बीबी शूट कर रहा है, मैं चीखने की पोजीशन में नहीं हूँ। बीबी घर चलो। कहाँ लेके जा रही है? भाभी भाभी अच्छा मेरी भाभी एक मिनट, अरे खींचो तो नहीं हाथ निकल जाएगा, एक मिनट बात सुन लो, इधर आओ। भाभी मैं कुछ सुनने के मूड में नहीं हूं। एक मिनट, एक मिनट बाबा, फैसला कर लिया। एक भाभी का बीपी डाउन हो रहा है। भाभी डाउन नहीं हो रहा, मेरी माँ, मेरी भाभी, मेरी भाभी, मेरी प्यारी भाभी, एक मिनट इधर आओ, मेरी भाभी को दिखाओ। ये भाई हमारी भाभी भी, ये बहन भी हमारी, ये भाभी ये देखे, ये अलमारी के पीछे ये देखे, ये लगाया हुआ कैमरा, और ये कैमरा लगाने वाला ना ये ना मेरा भतीजा, इसने लगाया है, ये छुपा के लगा के गया था कैमरा, इसने बोला था कि प्रैंक करो, इसने करवाया। मैंने बोला चलो भाई लॉकडाउन की वजह से हम बाहर काम नहीं कर सक रहे। एक मिनट अरे भाभी तुम्हारे, अरे थोड़ा सा मजाक, थोड़ा सा मजाक, इसको भी पता था। एक मिनट बात चुप, यानी ये तुम सबको पता था? सबको पता था, आपको नहीं पता था? भाभी कैमरा लगा हुआ वहाँ देखे, और वहाँ पे भाभी आडियो मारियो सब। अच्छा भाभी कैमरे पे हाथ हिला दो, उधर क्या ठंडा कर दिया मुझे, मेरा गुस्सा ठंडा कर दिया भाभी ने। अच्छा हाथ हिला दो। नोवल कोरोना वायरस एक नया वायरस है, इसकी अलामत में खांसी, बुखार और सांस लेने में दुश्वारी शामिल है। बीमारी की शिद्दत नमूनिया की शक्ल इख्तियार कर सकती है। याद रखें, हर जुकाम खांसी बुखार कोरोना वायरस नहीं होता। मुतासरा अफराद में से 97% लोग सेहतयाब हो जाते हैं। आपसे दरख्वास्त है अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से धोइए। खांसते या छींकते वक्त टिश्यू का इस्तेमाल करें। बीमार लोगों से करीबी रابطे से गुरेज करें। जब आप बीमार हों तो घर में ही रहिए। ज्यादा हुजूम वाली जगहों पर जाने से गुरेज करें। कम से कम 6 फीट का फासला रखें। अगर आप बीमार हैं और कोरोना वायरस की अलामत का शुबा है, हेल्पलाइन नंबर 1166 पर रابطہ करें। मजीद मालूमात के लिए मुलाहिजा करें www.nhsrc.gov.uk। हमारा अज़्म कोरोना से महफूज पाकिस्तान।